हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद परीक्षा में ये रणनीति अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। 2 घंटे में 200 प्रश्न करना क्या संभव है? जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी प्रश्न पूछता है, रीजनिंग कितने लंबे लंबे प्रश्न दे देगा उसके, तो इस हिसाब से किसी भी हालत में नहीं लगता है कि 2 घंटे में 200 प्रश्न करना संभव हो सकता है। पहले क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, बस आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए, रीजनिंग 50 प्रश्न है आपको, समय कितना 100 अंक का। सामान्य ज्ञान है 50 प्रश्न 100 अंक का। सामान्य विज्ञान तथा अंकगणित 100 अंक की, और आपकी सामान्य हिंदी 50 क्वेश्चन 100 अंक का। तो आपको देखिए कुल 2 घंटे मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग कितना रहेगी आपको, 50% रहेगी। तो हम आपको बताएं, सबसे पहले अगर आपकी जीएस ठीक ठाक हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सामान्य ज्ञान करना है, यानी कि जीएस करना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जीएस जो आएगा वो तुरंत आप उसका आंसर दे सकते हैं, और आप ये भी नहीं कि आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है तो गलत, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये आप इसको जल्दी कर सकते हैं, यानी कि इस 50 क्वेश्चन को आप भरने सहित लेके आप 30 मिनट में मैक्सिमम कर सकते हैं, 25 मिनट में आप मैक्सिमम कर सकते हैं सारे क्वेश्चन जीएस के। अब दूसरी बात रही, तो आप उसके बाद पहला सेक्शन आपको जीएस करना है, दूसरा सेक्शन आपको हिंदी करना है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रही, आया तो आया नहीं तो नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों प्रश्न में आपको क्या होगा कि एक अंदाज़ा लग जाएगा आप कितना सही कर रहे हैं, और इन दोनों में आपका समय, ये दोनों समय को बचाएंगे। तो सबसे पहले आपको जीएस और हिंदी करनी है, ये 2 सेक्शन करने हैं, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं होगा कि आप एक, मान लीजिए कि आपने 40 सेकंड सवाल लगाया और पता चला कि आपका आंसर नहीं आया तो आपका गड़बड़ा जाएगा, यानी कि समय भी गया और आप प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों सेक्शन सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस और सामान्य हिंदी में, ये दोनों आपके समय बचाएंगे और आपके टाइम के साथ साथ ये आपके मनोबल भी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको सामान्य विज्ञान तथा अंकगणित पे आना है। सामान्य विज्ञान अंकगणित पे इसलिए आना है कि विज्ञान पे भी फिर सिचुएशन वही होगी कि जीएस वाली, कि आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो आपको इन सब से अंदाज़ा लग जाएगा। और अंकगणित में जो प्रश्न होंगे, अगर आप देखते ही, आपके कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही आंसर मार सकते हैं, तो ये 3 सेक्शन आपको सबसे पहले करना है, रणनीतिक रूप से ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये समय आपके बचाएंगे और आपके सवाल भी हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब बचते हैं रीजनिंग। रीजनिंग की बात सामान्य बुद्धि परीक्षण के, तो आप ही हस्र देख चुके हैं कि पीछे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में किस लेवल की रीजनिंग आ रही है, आप अब देख चुके हैं। तो रीजनिंग करने में आपका समय ज़्यादा जाएगा। इस समय रीजनिंग का ये हालत है कि एक सवाल में 1 से 1.5 मिनट लग जा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर एक बार में आ जाए। तो रीजनिंग सबसे लास्ट में करिएगा, इन तीनों को करके जल्दी जल्दी आप गोला भी भर लीजिए, तब रीजनिंग छूइएगा, या रीजनिंग को फटाफट देखिएगा, ऐसे प्रश्न तुरंत करने की कोशिश करिए जो आ रहे हों, उसके बाद आप गोला भर लीजिएगा, उसके बाद आप टाइम बचेगा तो रीजनिंग पे दीजिएगा। और रीजनिंग में यही कहूँगा आपसे, बार बार कहूँगा कि रीजनिंग आप पहले टच करने की मत कोशिश करिएगा, नहीं तो आपका समय चला जाएगा। इस रीजनिंग में आपके कम से कम 50 प्रश्न रहेंगे, तो अगर जिस हिसाब से अभी तक पेपर आ रहा है, ये 50 प्रश्न कम से कम आपके 1 घंटे से कम समय नहीं लेंगे गोला भरने से सहित लेके। तो ये 1 घंटे आपके महत्वपूर्ण है, बाकी 1 घंटे में आपको ये 3 सेक्शन करने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए मुसीबत आते हुए प्रश्न आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप गलती मत करिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो पहले जीएस करिएगा हिंदी, उसके बाद आप सामान्य विज्ञान व अंकगणित करिएगा, तब लास्ट में आप रीजनिंग करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप इसी पैटर्न पे पेपर करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, मैं ये पूरे वादे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी है। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, जितने आ रहे हैं 200 में अगर आपके 100
120 125 हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से वो आपके पर्याप्त होंगे, क्योंकि टाइपिंग के लिए करीब 5 से 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो वो आपको फायदा करेगा। तो ये रही एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, किस पैटर्न में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।